नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। साउथ चाइना सी में पिछले 6 महीने से गर्मा गर्मी जारी और चीन को धमकाते हुए कई देश चीन पर चढ़ बैठे हैं। जैसे जापान सेनकाकू को लेकर चीन पर आक्रामक है, तो ताइवान अपने देश की आन बान शान के लिए चीन को ललकार रहा। तो वहीं तीसरी तरफ दुनिया के शक्तिशाली देश चीन के विरोध में ताइवान का साथ दे रहा। उसी का नतीजा है कि ताइवान को हिम्मत मिली है और ताइवान चीन से आंखें मिलाकर बात कर रहा है। उसी कड़ी में ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया, जिससे चीन काफी नाराज हुआ और भड़कते हुए ताइवान को नसीहत दी। भारत में मौजूद चीन के दूतावास ने अपने बयान में कहा कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है जो कि अगुवाई करता। ताइवान चीन का ही आंतरिक हिस्सा है, संयुक्त राष्ट्र भी इसी को मानता। ऐसे में कोई भी स्थानीय नेता कुछ भी बात कह ले, लेकिन सत्य अलग नहीं हो सकता। चीन की ओर से बयान दिया गया है कि वन चाइना वन ताइवान का कोई मतलब नहीं। ऐसे में ताइवान के मसले पर चीन से सवाल नहीं किया जा सकता। भारत की सरकार भी इसी पक्ष को मानती। ऐसे में कोई भी ऐसे ताइवान के नेताओं को अपना प्लेटफॉर्म न दे। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि तिब्बत की तरह ही ताइवान पर भी चीन अपना कब्जा जमाता है, लेकिन ताइवान हर बार दुनिया को यही संदेश देता है कि वो अलग देश है। इसके लिए कई बार ताइवान की राष्ट्रपति और अन्य नेताओं ने भारत की तारीफ की और उनसे समर्थन मांगा। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर चीन ताइवान पर क्यों भड़का है और इसके कारण क्या है और क्यों चीन ताइवान को वन चाइना पॉलिसी की दुहाई दे रहा है। यहाँ पर एक और बात कहना जरूरी है कि चीन तीन तरफ से युद्ध करने की धमकी दे रहा है और तीनों तरफ से चीन को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। पहले गलवान घाटी में जैसे चीन कर रहा है, ठीक वैसे ही भारत कर रहा है और चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जैसे कि चीन अपने 60,000 सैनिकों और मिसाइल, लड़ाकू विमान, तोप और न जाने क्या क्या भारतीय सीमा पर लगा रखा है, ठीक वैसे ही भारत ने भी अपने 40,000 से ज्यादा सैनिकों को गलवान में तैनात कर दिया। इसके साथ ही साथ होवित्ज़र तोप, आकाश मिसाइल, राफेल लड़ाकू विमान, T-90 टैंक के साथ ही साथ कई और खतरनाक हथियारों को लद्दाख के पास लगा रखा, जिससे चीन हांफने लगा है और उसी का नतीजा है कि चीन को कुछ सूझ नहीं रहा कि वो क्या करे और हताशा में उल जुलूल बयानबाजी और गीदड़ भभकी दे रहा। लेकिन चीन के पड़ोसी उसकी बात मानने से इनकार कर रहे हैं।